नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आई एक मोस्ट डिमांडिंग हॉल वीडियो, क्योंकि काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं मिंत्रा की एक हॉल वीडियो शेयर करो और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लेकर के आऊँ जिन्हें आप छोटे मोटे फंक्शन में या फिर ईद आने वाली है, ईद पर, फेस्टिवल पर, किसी और फेस्टिवल पर आप इजीली वियर कर सकें। तो आज जितना भी मेरा कलेक्शन है ना, मैंने ये फेस्टिवल को और छोटे फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए ही ऑर्डर किया है। और मन तो था कि मेरा मैं पूरा कलेक्शन एक ही कलर में लेकर के आऊँ, लेकिन जब मैं ऑर्डर प्लेस करी थी तो मुझे एक कुर्ता थोड़ा डिफरेंट कलर का था, लेकिन मुझे अच्छा लगा। सो मैंने सोचा कि चलो यार, ये भी इंक्लूड कर ही लेती हूँ। और पूरा ही कलेक्शन मेरा है फ्रॉम द सिंगल ब्रांड रस्ट ऑरेंज, जो कि काफ़ी फैबुलस फैब्रिक है सभी क्लोथ्स का और बहुत ही अच्छे हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रोडक्ट से। और जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है, ये है एक कुर्ता शरारा सेट विद दुपट्टा, और बहुत ही ज़्यादा प्यारा पीस है यार, पहनने के बाद इतना ज़्यादा सुंदर लगा। सो सबसे पहले मैं इसका कुर्ता ही आप लोगों को दिखाऊंगी, ये आप देखेगा। नेक है इसका राउंड फ्रंट से भी और बैक से भी, वो डीप राउंड वाला नेक नहीं है, जो हल्का सा बोट नेक शेप जिस तरह का लाइक मैंने वियर किया हो उसी तरह के नेक का इसका पैटर्न है। ये है इसका फ्रंट, ये है इसका बैक। साइज मैंने मीडियम लिया है, लेकिन इसमें मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अपना वन साइज स्मॉलर बाय करें तो वो आपको एकदम परफेक्ट आने वाला है। फैब्रिक एकदम फाइन है तो स्किन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो रेयॉन कॉटन मिक्स होता है उस तरह का फैब्रिक है। और बॉटम में ये बॉर्डर, ओवरऑल लुक इसका पहनने के बाद काफी हैवी आ रहा है। 3/4 है स्लीव्स और सेम स्लीव्स पर भी बॉर्डर है। और इसका जो शरारा है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, क्योंकि इसका फ्लेयर इतना ज्यादा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें दोनों तरफ इलास्टिक है, प्लस फैब्रिक इतना हैवी है ना कि बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं। और ये आप देखिएगा इसका फ्लेयर कितना अच्छा है, पूरा ही पोल्का डॉट्स में काफी प्यारा सा लग रहा है। बाकी लुक आपको इसका पहनने के बाद क्लियर हो रहा होगा कि कितना सुंदर सा है। ये है इसका फ्रंट, ये है इसका बैक, और इसमें ना एक साइड पॉकेट भी है, काफ़ी डीप पॉकेट है, तो इसमें आप अपना मोबाइल इजीली कैरी कर सकते हैं। और अगर आप ईद के लिए ना कुछ सिंपल सोबर लेकिन स्मार्ट पीस ढूंढ रहे हैं तो आप इसको इजीली पिक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ये लग रहा है। और थर्ड पीस है इसका ये दुपट्टा, तो एक कंप्लीट कॉम्बो जिसे बोलते हैं, ये कंप्लीट कॉम्बो है। अगर आप इस पेयर को लेंगे तो आपको कुछ और लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसमें चारों तरफ है बॉर्डर, और दुपट्टे की लेंथ बहुत अच्छी है, जो कि आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो रही होगी। विड्थ भी एकदम सही है यार, क्योंकि आजकल ना दुपट्टे इसी तरह से ट्रेंड में है कि हम साइड से उसको ड्रेप करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। और मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सेकेंड जो मेरा कुर्ता है, ये है कुर्ता लाइट, एकदम लाइट क्रीम जो कलर होता है उस बेस पर गोल्डन कलर के जिगजैग बने हुए हैं, और ये पहनने के बाद मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। इस तरह का है, आप इसे किसी भी छोटे मोटे फंक्शन में इजीली वियर कर सकते हैं। और साइज़ मैंने इसका मीडियम लिया है, लेकिन इसमें आप अपना वन साइज स्मॉलर बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसका साइज़ चार्ट मुझे आइडिया नहीं था। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने इस ब्रांड का ऑर्डर किया तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं था, पर मुझे पहनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। नेक है इसका राउंड फ्रंट से भी और बैक से भी, पूरे ही कुर्ते में जिगजैग बने हुए हैं कलियों वाले पैटर्न में, बहुत ही प्यारा सा ये कुर्ता, ये आप देखेगा। प्लस इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटी सी पॉकेट भी है, इसमें आप अपना मोबाइल इजीली कैरी कर सकते हैं। 3/4 है स्लीव्स, और स्लीव्स पर लगा हुआ है बॉर्डर, इसे किसी हैवी सी ज्वेलरी के साथ आप पेयर अप करेंगे तो काफ़ी स्मार्ट लगेगी। बॉटम में भी यहाँ पर छोटा सा सेम बॉर्डर है, और इसके साथ आप बॉटम में जो मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि जो ये डार्क शेड है ना, इसकी लेगिन वियर करें। मेरे पास नहीं थी तो मैंने एक गोल्डन प्लाजो इसके साथ वियर किया हुआ है, उसके साथ भी स्मार्ट लग रही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि डार्क कॉम्बिनेशन आ जाता तो ये और भी ज़्यादा प्रिटी लगता। साथ पैरअप में है ये दुपट्टा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा है तो उसकी वजह से लुक काफ़ी एनहांस हो रहा है। पूरे में ही छोटी बड़ी बूटियाँ हैं, दोनों तरफ बॉर्डर है, लेंथ काफ़ी अच्छी है, विड्थ इसकी एकदम परफेक्ट है साइड से ड्रेप करने के लिए, तो ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। और सभी के प्राइस मैं साथ में मेंशन कर रही हूँ, प्लस सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप इनको इजीली परचेज कर सकते हैं। थर्ड पीस वन ऑफ माय फेवरेट, और ये है एक फुल लेंथ में मैक्सी ड्रेस। अगेन मैं वही कहूँगी कि मुझे साइज़ का आइडिया नहीं था, मैंने सारे मीडियम ऑर्डर कर दिए, लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, मुझे साइज़ चार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि मुझे लूज़ आ रहे थे। तो इसके साथ मैंने ब्लैक बेल्ट पेयरअप कर ली, वो बेल्ट के साथ भी मुझे काफ़ी स्मार्ट लगा। और ये आप देखेगा फुल लेंथ में एक मैक्सी ड्रेस, बहुत ही स्मार्ट लुक में। नेक है इसका बहुत छोटा सा राउंड फ्रंट से भी और बैक से भी, और पूरे पर ये बड़े बड़े फ्लावर बने हुए हैं, एक ए लाइन पैटर्न में, बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस है।
बॉटम में आप देखेंगे कितना ब्रॉड सा बॉर्डर है, ब्लैक के साथ ऑरेंज मजेंटा गोल्डन का कॉम्बिनेशन काफी प्रिटी लग रहा है। सो ये तो है इसका फ्रंट, ये है इसका बैक। ओवरऑल लुक मुझे इसका पहनने के बाद बहुत पसंद आया, तो मेरी तरफ से ये पीस है हाईली रिकमेंडेड। इस ड्रेस के साथ पैरअप में है ये स्कार्फ, जिसकी वजह से इसका लुक बहुत ज्यादा एनहांस हो गया। और सारी ही ड्रेसेस ऐसी हैं, आप इनके साथ बड़े बड़े से झुमका और इस तरह का मतलब एक हैवी सी ज्वेलरी पैरअप करें तो इनका लुक और भी ज्यादा एनहांस हो जाएगा। और ये देखिए इसका स्कार्फ ट्राइंगल शेप में है और इसके तीनों कॉर्नर्स पर ये आप देखेंगे प्यारी सी टसल्स लगी हुई है। फैब्रिक इसका ऑर्गेंजा सिल्क और पहनने के बाद मुझे बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगा। नेक्स्ट पीस है मेरा एक और कुर्ता सेट, और ये है एक कुर्ता और स्कर्ट सेट, क्योंकि कुर्ता और स्कर्ट सेट भी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। और ये है इसका कुर्ता, नेक है इसका राउंड, फ्रंट से भी बैक से भी फैब्रिक ना सभी का कॉटन रेयन मिक्स है, जो स्किन के लिए एकदम फ्रेंडली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैब्रिक है। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि समर में पहना जाएगा या नहीं पहना जाएगा, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। और पूरे ही कुर्ती पर आप देखेंगे छोटी बड़ी बूटियाँ भरी हुई है, कलरफुल ब्लैक के साथ ऑरेंज ग्रीन और गोल्डन कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और ये है इसका पूरा लुक, लेंथ इसकी काफ़ी अच्छी है, हाइट मेरी 5'3" है, तो आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कहां तक आने वाला है। सो ये है फ्रंट, ये है इसका बैक, 3/4 है स्लीव्स और यहाँ पर भी बॉर्डर लगा हुआ है। और इसके साथ पैरअप में है स्कर्ट, स्कर्ट की लेंथ इतनी अच्छी है कि मैंने इसको ऊपर से ना डबल फोल्ड किया हुआ था, अदरवाइज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा नीची मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंथी थी, मैं इसको इजीली नहीं पहन पा रही। तो अगर आप हाइटेड भी हैं ना गाइज, आप इजीली इसको बाय कर सकते हैं। लाइक अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि हमें हमारे साइज़ की स्कर्ट नहीं मिलती, छोटी रह जाती है, एंकल लेंथ रह जाती हैं, तो वो इशू इसके साथ नहीं आएगा। मुझे इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी लगी। और ये आप देखिएगा इसकी स्कर्ट का लुक, दोनों तरफ इसमें इलास्टिक है, पूरी ही स्कर्ट में पोल्का डॉट्स बनी हुई है और ये एक कलियों वाले फ्लेयर में है, जिसकी वजह से इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा रहा है। और बॉटम में सेम वही कलर कॉम्बिनेशन में बॉर्डर है जो सूट में बूटियां बनी हुई हैं। सो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, एक कंप्लीट पेयर मुझे काफ़ी पसंद आया। ये था फ्रंट, ये है इसका बैक, पूरा एकदम हैवी है। सभी का ट्राई ऑन मैं आपको दिखा रही हूँ, तो आपको इनका लुक क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पीस है कुर्ता धोती सेट, ये तो मुझे काफ़ी टाइम से पसंद आ रहा था पर मेरा साइज़ मुझे नहीं मिल पा रहा था, इस बार मुझे मेरा साइज़ मिल गया तो ये तो पिक करना बनता ही था। और ये है कुर्ता, पूरा ही कुर्ता एकदम हैवीली प्रिंटेड हाई लो पैटर्न में, पहनने के बाद इतना ज़्यादा स्मार्ट ये मुझे लगाना बहुत ही ज़्यादा। और ये आप देखिएगा बोट नेक के पैटर्न में है, यहाँ इसका गोटा पत्ती से डिज़ाइन बना हुआ है, ये इसका फ्रंट नेक है, ये इसका बैक नेक है, 3/4 स्लीव्स हैं, सेम वही गोटा पत्ती के बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है। और आप देखेंगे पूरा ही एकदम हैवी लुक में बहुत ही ज़्यादा क्लासी लग रहा है, फ्रंट से है हाई, बैक से है लो, साइड में है इसके पॉकेट, काफ़ी डीप पॉकेट है तो अपना मोबाइल इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं, और बैक से भी ये पूरा हैवी प्रिंटेड है। सो ओवरऑल लुक इसका बहुत स्मार्ट आया। और इसकी धोती जो है ना वो भी थोड़ी डिफरेंट है, पूरी ही पोल्का डॉट्स में आप देखेंगे, इसके धोती का लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक दिस, जैसे वो डांसर पहनते हैं ना डांस के टाइम पर, उस तरह का इसका लुक है, तो मुझे काफ़ी प्रिटी ये लगी। और यहाँ पर इस पर पूरा गोटा पत्ती की बेल लगी हुई है, बाकी लुक आपको इसका पहनने के बाद ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। दोनों तरफ इसमें इलास्टिक है, एकदम कंफर्टेबल, कंफर्ट लेवल में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं है, सो मुझे ये काफ़ी पसंद आए। और आज का मेरा लास्ट पीस है अगेन एक और कुर्ता और स्कर्ट सेट, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैं यही बोल रही हूँ कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको पूरे पूरे पेयर दिखाऊं, सो दैट आपको ये टेंशन ना हो कि एक पार्टी वियर सेट है तो इसके साथ आप किस तरह का बॉटम लें, दुपट्टे के साथ होना चाहिए तो मैं दुपट्टे के साथ दिखाती हूँ, कुर्ता स्कर्ट के साथ दुपट्टे की नीड नहीं होती है क्योंकि उसका लुक वैसे ही बहुत प्रिटी आता है। सो ये मेरा लास्ट कुर्ता और स्कर्ट सेट है, ब्लैक कलर का, एकदम प्लेन सा, सिंपल सोबर सा, और ये इसका लुक आप चेक करेंगे। नेक है इसका राउंड और यहाँ पर ये अलग से ना फैब्रिक लगा हुआ है जिस पर पूरे पर ही फॉइल प्रिंटिंग है, इसका लुक एकदम प्लेन है। और साइड में जो टसल्स लगी हुई है ये तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है, आप देखेंगे कितनी ब्यूटीफुल सी ये टसल्स हैं। सो ये तो है इसका फ्रंट, ये है इसका बैक, लेंथ इसकी काफी अच्छी है, 3/4 इसकी स्लीव्स हैं, सेम बॉर्डर यहाँ पर लगा हुआ है, अच्छा लेंथ और फैब्रिक सभी के एकदम एवन है। और इसके साथ पैरअप में है ये स्कर्ट, फुल लेंथ में काफ़ी लेंथी ये स्कर्ट है, दोनों तरफ इसमें इलास्टिक है और कलियों वाले पैटर्न में एकदम प्लेन स्कर्ट, बस बॉटम में इसके ये बॉर्डर है, लेकिन पहनने के बाद लुक काफ़ी प्रिटी आया। फ्रंट और बैक दोनों तरफ इसके बॉर्डर है, फैब्रिक अगेन वही कॉटन मिक्स फैब्रिक है,
आप इसको रेयन नहीं कह सकते, प्योर कॉटन टाइप से इसका फैब्रिक है जो स्किन फ्रेंडली है, और आप इनमें से कोई भी प्रोडक्ट इजीली ले सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और मेरी तरफ से मेरा आज का पूरा कलेक्शन हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप सिंपल सोबर सा कुछ ईद के लिए या फेस्टिवल्स के लिए आपके घर में कोई फंक्शन है उसके लिए ढूंढ रहे हैं तो एकदम A1 कलेक्शन है, गो फॉर इट गाइज। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।